तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो विजेट्स हमारे पास होते हैं कुछ सेट ऑफ कोड जो हमारी वेबसाइट को एनहेंस करते हैं बिना किसी टेक्नोलॉजी को समझे हुए। हमें अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं भी आती तो हम सिंपली उन्हें ड्रैग और ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा होता है साइड बार। इसमें हमें पहले से ही कुछ विजेट्स दिए होते हैं। वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी थीम ली है और जो आपका साइड बार है वो आपका किस तरफ शो हो रहा है। जो आपका साइड बार है वो आपका राइट साइड में भी शो हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी शो हो सकता है। तो कुछ डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से ही विजेट्स दिए होते हैं, तो आप इन विजेट्स को चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के बाद आप जाएंगे अपीयरेंस के अंदर विजेट्स में। तो जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दो कॉलम दिए हुए हैं। जो पहला कॉलम है ये हमारे हैं लिस्ट ऑफ विजेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से विजेट्स प्रेजेंट हैं। और जैसा कि आप यहाँ दूसरे कॉलम में देख रहे हैं, ये जो हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए लोकेशन, जहाँ पर आपकी विजेट्स की लोकेशन है, मतलब आप उन्हें कहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जैसे एरिया दे रखा है, प्राइमरी विजिट एरिया, सेकेंडरी विजिट एरिया, फर्स्ट फुटर विजिट एरिया, सेकेंड फुटर विजिट एरिया, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ। तो आप किसी भी पोर्शन में इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है ये चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी थीम्स में यही लोकेशंस दी हों, तो लोकेशंस चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू थीम। अब हम पैरेलली इस वेबसाइट को ओपन करके रख लेते हैं ताकि आप चेंजेस ईजिली देख पाएँ। नाउ सपोज मैं आर्काइव, अब हमें ऐड और रिमूव करना है। पहले हम देखते हैं कि इन्हें रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव करने के दो तरीके हैं, एक तो इन्हें यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आर्काइव वाला जो था वो हमने वहाँ से हटाया है। अब रिफ्रेश कीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आर्काइव वाला यहाँ से हट चुका है। इसी तरह सेकेंडरी हम सर्च वाले को यहाँ से हटा कर देखते हैं, ड्रैग और ड्रॉप कर दिया। यहाँ से देखिए सर्च वाला हट चुका है। अब हम रीसेंट कमेंट्स हटा कर देखते हैं। दूसरा तरीका जो है अब ये है कि यहाँ इस बटन पर एरो वाले डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक डिलीट बटन दिखेगा आपको। आप उस डिलीट पे क्लिक करें तो आपका इससे भी वो डिलीट हो जाएगा। देखिए सॉरी, तो आपका कमेंट वाला सेक्शन भी अब जा चुका है। तो इस तरह आप अपने विजिट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब आई बात ऐड करने की। अब देखिए कि विजिट को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह हमने इस पोर्शन से हटाकर इधर ड्रॉप किया उसे, तो वो रिमूव हो गए। अगर हम इसे रिवर्स करें, हम यहाँ से लेकर यहाँ पर डालें, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसके भी दो तरीके हैं ऐड करने के। पहला तरीका तो है कि सिंपल ड्रैग किया और ड्रॉप किया। सी, यहाँ पे आप टाइटल लिख दीजिए आर्काइव्स और सेव। ड्रैग किया और ड्रॉप किया और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे टाइटल दे दीजिए कैलेंडर और क्लोज। और दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, मानिए कि ये आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर जब आप इस विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेंगे कि आपको किस ऑप्शन पर इसे ऐड करना है। तो हमें प्राइमरी विजिट एरिया में ऐड करना, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ऐड विजिट, तो इससे भी ये वहीं पर ही ऐड। तो पेजेस, टाइटल ऐड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस, इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए हमने आर्काइव ऐड किया था, कैलेंडर ऐड किया था और ये पेजेस ऐड किए थे। तो इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं विजिट्स को अपनी वेबसाइट में। अब मानिए आपको कोई इमेज ऐड करनी है अपने साइड बार में, तो आप ये इमेज टैग, इमेज विजिट यूज़ कर सकते हैं। इसे ड्रैग कीजिए और यहाँ पर ड्रॉप कीजिए। अब इमेज ऐड करने के लिए इमेज दे दीजिए यहाँ पर टाइटल। इमेज ऐड करने के लिए आप या तो उसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, या आपकी मीडिया लाइब्रेरी में जो भी इमेज पड़ी है उसे सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ये इमेज सिलेक्ट की। अब सिलेक्ट करने के बाद मानिए कि आप इस इमेज को एक यूआरएल से लिंक करना चाहते हैं या किसी और पेज पे आप उसे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं नीचे लिंक टू। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको
लिंक करवाना है किसी और से, क्योंकि साइड बार में ज़्यादातर यही यूज़ होता है कि हम कोई भी इमेज किसी और पेज से लिंक करवाते हैं, तो उसको लिंक करवाने के लिए हम कस्टम यूआरएल ऐड करेंगे और यहाँ पर हम अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का यूआरएल पेस्ट कर रही हूँ, तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड टू विजिट एंड सेव और इसे क्लोज कर दीजिए। अब इसे रिफ्रेश कीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं इसे ओपन करूँ, न्यू टैब में ओपन करती हूँ, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। देखिए अब इसको हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू टैब, तो आप ये देखिए मेरी वीडियो ओपन हो चुकी है। इस तरह आप कोई भी लिंक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपको यहाँ पर वीडियो ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक दिया गया है वीडियो विजिट, तो वीडियो विजिट को हमने ड्रैग किया ऊपर ऊपर करते रहिए और जहाँ पर भी डालना है वहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया। माय यूट्यूब वीडियो, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को ऐड कर सकते हैं। अब चाहे तो आप अपने कंप्यूटर से कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप यूआरएल से कर सकते हैं। मैं यूआरएल से ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी और ऐड भी। आप ये देख रहे हैं मेरी वीडियो ऐड हो चुकी है। अब इस पर सेव पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करके देखेंगे, तो ये आप देखिए कि आपको यूट्यूब वीडियो दिख रही है। आप यहाँ से प्ले पॉज सकते हैं। अब हमारे पास और भी एरिया दिए हुए हैं, जैसे ये सेकेंडरी विजिट एरिया, फर्स्ट फुटर, सेकेंड फुटर, थर्ड फुटर, तो आप इनमें भी ऐड कर सकते हैं। इनमें ऐड करने के लिए सेम ही आप क्या करें, टेक्स्ट विजिट इसमें डाल के देखिए, यहाँ लिखिए सेकेंडरी विजिट एरिया, हेलो फ्रेंड्स, इसे बोल्ड कीजिए और सेव कीजिए और क्लोज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑप्शनल सेकेंडरी विजिट एरिया डिस्प्ले बिलो द प्राइमरी विजिट एरिया इन योर साइड बार, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी विजिट एरिया खत्म हो रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी विजिट एरिया बिल्कुल इसके नीचे आएगा। तो ये हमने ऐड किया था सेकेंडरी विजिट एरिया में, जो बिल्कुल प्राइमरी विजिट एरिया ख़त्म होने के नीचे आया है। उसके बाद सेम हमें फर्स्ट फुटर विजिट एरिया, सेकेंड फुटर विजिट एरिया दिख रहा है। मानिए हम फर्स्ट फुटर विजिट एरिया में सर्च ऐड करते हैं। अब रिफ्रेश करके देखिए, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट फुटर विजिट एरिया। अब सेकेंड फुटर विजिट एरिया में मेटा ऐड या पेजेस ऐड कर दीजिए, सॉरी ये उसमें प्राइमरी में ऐड हो गया। सर्च को हमने कर लिया ऐड, अब हम ऐड कर रहे थे पेजेस को, फर्स्ट में हो चुका है, सेकंड फुटर में इस तरह, और सेव रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए ये हमारा आ गया सेकंड फुटर नीचे। इसी तरह आप थर्ड में ऐड कर सकते हैं मेटा, थर्ड फुटर विजिट एरिया, और ये हमने मेटा ऐड कर दिया, ये हमारा थर्ड फुटर में आ गया। अब अगर आप चाहें कि आपको यहाँ पर कुछ और विजिट्स ऐड करने हैं अपनी तरफ से, नए इंस्टॉल करने हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू, तो आप प्लगइन्स की हेल्प से भी विजिट्स ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च कीजिए ब्लैक। अब इसमें अभी तक हमने क्या किया, इमेज अलग से ऐड की, वीडियो अलग से ऐड की, टेक्स्ट अलग से ऐड किया। मानिए आपको चाहिए कि आपको एक ही विजिट ऐसा चाहिए जिसमें आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं, सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए होगा जो कि पहले से इसमें नहीं मिलता। तो हम एक एडिटर इंस्टॉल करेंगे, जब आप इसमें ब्लैक लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा, ब्लैक स्टूडियो टाइनी MCE विजिट, तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए। ये आपको क्या करेगा, एक विजुअल एडिटर प्रोवाइड करेगा जिससे आप इजिली अपनी विजिट्स को मैनेज कर सकते हैं। एक ही विजिट में आप इमेज भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, सब एक ही विजिट के हेल्प से आप कर सकेंगे।
जैसा कि आपने देखा ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे आप एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद जाइए अपने विजेट्स वाले सेक्शन में, कैसे अपीयरेंस के बाद विजेट्स, और यहाँ पे नीचे देखिए सबसे ये आपके पास आ गया आपका विजुअल एडिटर। विजुअल एडिटर कौन सा, जो अभी हमने ऐड किया, अब इसे ऐड कीजिए फोर्थ विजेट एरिया में। ये देखिए दिस इज अ विजुअल एडिटर। अब आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं। इस इमेज का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से जाके इमेज को ऐड कर सकते हैं, साइज इसका सेट कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इस इमेज के नीचे आप अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अब इसको बोल्ड कर दीजिए। जैसा भी आप एडिट करना चाहें कर सकते हैं, सेव और क्लोज, रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं ये आपका फोर्थ विजिट एरिया में भी विजिट आ चुका है। इस तरह आप नंबर ऑफ विजिट्स ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने विजिट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और चाहे तो नए विजिट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, प्लगइन्स की हेल्प से आप नए विजिट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।